नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजीव कुमार फिर से अपने चैनल खेती संसार अमसूर के परवल पे स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अप्रैल के महीने में, मई के महीने में परवल में लगने वाले रोग और उसके निवारण के बारे में, उसके दवाई के बारे में। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो कृपया करके प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जब भी पहला वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास जाए नोटिफिकेशन। तो मई के महीना में ज़्यादातर गर्मी होता है और तेज़ हवा चलते हैं, गर्म हवा चलता है, तो जिसके कारण जो है फल और फूल पे असर पड़ता है। होता है कि जो आप ये देख रहे हैं, ये पक गया, ये देखिए ये पक गया, ये जो छोटे छोटे में पक जाना, तो ये थोड़ा हानि होता है। तो इसके लिए हम उपाय क्या करें, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब पका हुआ फल तोड़ के हम फेंके हुए, ठीक है। तो इसका उपाय है कि अभी खेतों में नमी का कमी ना होने दें, समय समय पे इसका सिंचाई करें और ख्याल रखें कि ज़्यादातर रासायनिक दवाई का उपयोग ना करें। और इसमें ज़्यादातर जो है अभी के समय में फंगीसाइड का कोई उपयोग कर सकते हैं आप, और जैसा कि इसमें जो है कंट्रोलर के रूप में आप इसमें ब्लू कॉपर और ऑलबोर का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप बोरन कहते हैं, छिड़काव वाला दवाई। तो ये सब क्या होता है कि वातावरण को मेंटेन करता है और परवल में जो बाहरी कीट लगता है वो कंट्रोल कर देता है, और ये जो फल पकने लगता है इसे रोक देता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना यही चाह रहा था कि ये मई के महीना में ये सब रोग लगता है, तो आप लोग इसे बचें, समय समय पर छिड़काव करें, समय समय पर सिंचाई करें, तब जाके आप परवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप लोग से आग्रह है कि जो लोग लता लेना चाहते हैं, परवल का लता, दुधिया परवल का लता ये, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके आप लता का ऑर्डर दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं राजीव कुमार आपसे अनुरोध करता हूँ, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।